ध्यान से देखना। सरेंडर ऑफ शेयर, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप अच्छे से जानते हो, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर तो आगे का हमारा काम सारा का सारा आसान हो ही जाएगा। पहले मीनिंग समझेंगे सरेंडर का क्या होता है और डिटेल समझेंगे, बाकी की सारी एडजस्टमेंट इस कॉन्सेप्ट के अंदर सेम रहने वाली है, कोई बदलाव नहीं है, बस स्टार्टिंग की एंट्री थोड़ी चेंज हो जाती है। सरेंडर का मतलब होता है क्या है? सरेंडर का मतलब होता है छोड़ना। सर, छोड़ने से क्या सेंस है? कि हमारे ये शेयर होल्डर हैं यहां पे, ये शेयर होल्डर मान लेते हैं शेयर होल्डर है। अब शेयर होल्डर के पास, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर सभी के पास मान लेते हैं 30-30 हजार शेयर है, तो कितने हो गए? 90 हजार। और आप अच्छे से जानते हो अगर रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसका मतलब कंपनी के हालात बहुत गुड होंगे या बेकार होंगे? बेकार ही होंगे, तभी चल रहे हैं। और इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि कंपनी अपने बैलेंस शीट को, अपने प्रेजेंट को बचाने के चक्कर में होगा, और वो सबसे ज़्यादा, अगर मान लेते हैं कंपनी डूबता है, सपोज करो डूबता है, तो सबसे आखिरी में पता है किसको पैसे मिलते हैं? शेयर होल्डर। एक लिक्विडेशन चैप्टर भी है, छोटा सा चैप्टर है आपके बुक में, मैं बताऊंगा, उसमें यही समझाया गया, सबसे लास्ट में इसको बिकेगा। तो हम शेयर होल्डर को जैसे बोलेंगे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि जब कंपनी डूबी तो डिबेंचर के पैसे मिल ही नहीं पा रहे, या फिर क्रेडिटर के पैसे मिल ही नहीं पा रहे, तो उन सभी के बाद इसका नंबर आएगा। इससे पहले भी प्रेफरेंस शेयर को देना पड़ेगा, तब जाके इसका नंबर आएगा। तो इसको हमने बोला कि भाई एक काम कर सकते हैं हम, कि आपके पैसे जितने भी है ना, या तो आप ये बोलो कि हमें पैसे आज कंपनी जो हो रहा है ख़त्म करो, तो आपको तो मिलेगा कितना? वैसे आपके हमारे पास जो पेमेंट है वो है कितने, पेमेंट के टर्म्स में बात करें 9 लाख, लेकिन अगर हम आज कंपनी बंद करते हैं तो आपको मिलेगा पता है कितना? सिर्फ और सिर्फ निल, यानी जीरो मिलेगा। हम एक स्कीम लेके आए हैं, हमें आपसे कुछ शेयर सरेंडर करवाने हैं। सरेंडर इन द सेंस कि आपके पास, मान लेते हैं जो भी शेयर है, आप अपने, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आप अपने 60% शेयर सरेंडर करिए। 60% शेयर सरेंडर करने का मतलब है आपका कितने होंगे, 54,000 शेयर को आप सरेंडर कर दीजिए, बाकी आपके पास 36,000 शेयर रहेंगे, आप जैसे मर्जी बांटिए उसकी बात करते हैं। यानी आप अगर ध्यान रखें, मैं अगर बोलूं तो ये शेयर भी एक्टिव है और ये शेयर भी एक्टिव है, फर्क इतना है कि ये शेयर कंपनी के पास है और ये शेयर शेयर होल्डर के पास है, क्योंकि हमने शेयर होल्डर से ले लिए हैं। अब जब हमने शेयर होल्डर से ले लिए हैं, अगर इसकी जनरल एंट्री आप सोचो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सरेंडर शेयर, फायदा नहीं हुआ अभी, यानी यहां पे आ जाएगा हमारा 5 और यहां आ जाएगा 540। सर यहां पे जब आपने उससे सरेंडर करवा लिया तो आपका तो फायदा हो गया ना कंपनी में। मैंने बोला सरेंडर करवाया है, कैंसिल तो नहीं किया ना,
सिर्फ क्या करवाया मैंने, सरेंडर, कैंसिल नहीं किया मैंने अभी इसे। कैंसिल का मतलब सर्टिफिकेट पे से नाम मतलब के कम कर देना। अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो अभी भी 9 लाख रहेगा शेयर, क्योंकि बस फर्क ये हुआ शेयर होल्डर के और ये। तो सर सरेंडर क्यों करवाया आपने, इससे आपका बेनिफिट क्या है? अब ये वाले शेयर तो हैं उसके पास, अब क्या करेंगे? जैसे मैंने बोला एक डिबेंचर होल्डर है, ध्यान से मुझे दिमाग लगा के जवाब देना, डिबेंचर होल्डर है उसे देना 1 लाख। ये है डिबेंचर होल्डर, इसको देने कितने हैं? मैंने बुलाया डिबेंचर होल्डर को, आ भाई डिबेंचर होल्डर अपने पैसे ले जा, लेकिन तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, हम तुम्हें शेयर्स दे रहे हैं। मैंने क्या करा, इस सरेंडर वाले शेयर में से 10,000 शेयर निकाले और बोला गुणा में 10, डिबेंचर होल्डर तू ये शेयर ले जा। डिबेंचर होल्डर को देने कितने थे? और मैंने उसे शेयर कितने के दे दिए? 1 लाख। अब बताइए मेरा यहाँ पे फायदा नुकसान है क्या कुछ? दिमाग लगाओ। डिबेंचर होल्डर को देने कितने थे? 1 लाख, और मैंने उसको सरेंडर वाले शेयर में से निकाल के दे दिए 1 लाख। ये है कंपनी, और मान लेते हैं कंपनी का ये है पॉकेट, ये है कंपनी का पॉकेट। अब बताइए क्या कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को अपने पॉकेट से पैसे दिए हैं? नहीं, डिबेंचर होल्डर ने तो किसी से छीन के किसी को दे दिया। तो यहाँ फायदा है नुकसान है? फायदा। यहाँ पे कितने का फायदा है? पूरे 1 लाख का। बच्चे ये समझते हैं कि सर यहाँ पे तो डिबेंचर होल्डर को 1 लाख दे रहे हो। ट्रू, मैं 1 लाख का शेयर दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने थोड़ी दे रहा हूँ, दूसरे से लेके दे रहा हूँ, सरेंडर शेयर दे रहा हूँ मैं। अब हमारे पास टोटल 5,40,000 के सरेंडर थे ना, 54,000 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,40 का जिसमें से 1 लाख निकल गया, तो 1 लाख शेयर कैंसिल हो गया, सरेंडर कैंसिल हो गया 1 लाख। अभी भी मेरे इसमें बचे हुए हैं कितने? 4,40,000। अब मान लेते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर मान लेते हैं 2,40,000 का है। मैंने बोला क्रेडिटर भाई इधर आ, तुझे हम 2 लाख रुपये देंगे बस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। यानी तुझे 40,000 रुपये छोड़ने होंगे। क्रेडिटर ने बोला ठीक है भाई, मैं 40,000 छोड़ने को तैयार हूँ। और मैंने उठाया इसमें से शेयर, 2 लाख के शेयर इसको पकड़ा दिए। अब बताइए कितने का फायदा? लाइव वाले बच्चे बताएं कितने का फायदा है, जितने बच्चे लाइव में हैं। मैंने क्रेडिटर को देने थे कितने? 240। क्रेडिटर ने 40,000 रुपीज़ छोड़ दिए, बोला मुझे मत दो। मैंने बोला ठीक है, तुम्हें 2 लाख के मैं सरेंडर वाले में से शेयर्स निकाल के दे दिए मैंने। बताइए कितने का फायदा? 240 का। यहाँ पे फायदा होगा क्योंकि मेरा लाइबिलिटी एक तरीके से शून्य, जीरो, 240 का। क्या मैंने कंपनी ने अपने जेब से निकाल के इसको 2 लाख दिए? नहीं, तो बेनिफिट पूरे 240 के। समझ रहे हो बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो सरेंडर शेयर में यही होगा कि एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे पहले ही सरेंडर करवा लेगा शेयर, और फिर धीरे धीरे निकाल निकाल के अपने लाइबिलिटी वालों को देता रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है पेमेंट करें लेकिन लाइबिलिटी वालों को देता रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब देखा जाए कि सर आपने 240 में से 2 इसको दे दिए हैं, 1 इसको दे दिए हैं, अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है 240 का, अब कोई बचता ही नहीं लेने वाला, तो अब कैंसिल कर देंगे हम। तो सर कैंसिल कैसे करोगे? देखो सरेंडर क्रेडिट है, अब हम क्या करेंगे कैंसिल करने का, सरेंडर सरेंडर शेयर और टू रिकंस्ट्रक्शन 240। अब हुआ जाके हमारा ये एक्चुअल फायदा जो हमारे जेब में, देखो जो हमारे पॉकेट में गया वो सरेंडर इक्विटी शेयर है, ये अब हुआ हमारा फायदा। बाकी ये भी हमारा फायदा ही है, लेकिन धीरे धीरे हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली। समझ रहे हो बात? पहले यहां तक बताओ सबको क्लियर है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर मैं आगे आपको इसकी भी जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा, है ना? इसकी भी पता चल जाए तो टॉपिक ही खत्म। इसका जर्नल एंट्री आपको देखो, सरेंडर करवाने का जर्नल एंट्री पता चल गया। अगर आपके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि हिसाब किताब लेके चलना है, अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको कैंसिल करने का जर्नल एंट्री पता चल गया। अब जब हम कुछ दे रहे हैं सरेंडर में से, तो उसकी जर्नल एंट्री भी आपको पता होना जरूरी है। तो वो कैसे होगा? तो पहले बताओ, जितना मैंने बताया है उतना डाउट है तो मुझे बताइए कमेंट में। चलिए
मैं एक बार इसकी जर्नल एंट्री कर दूं। कुछ बच्चों का डाउट है कि सर लास्ट वाली जर्नल एंट्री कैसे हुआ, तो लास्ट वाली जर्नल एंट्री देख लो। हमारे पास खजाने में यानी सरेंडर करवा के 240 ले रखे हैं, जिसमें से हमने कुछ तो दे दिया डिबेंचर होल्डर को 1 लाख हमारे यहाँ से माइनस, कुछ दे दिए मैंने क्रेडिटर को 2 लाख यहाँ से माइनस, तो बचे कितने 2,40,000। तो अब 2,40,000 जब किसी को देना ही नहीं है तो कैंसिल करेंगे। कैंसिल करें कैसे करेंगे, यहाँ सरेंडर क्रेडिट है और कैंसिल करने बोलूँ तो डेबिट करेंगे, ये कर दिया डेबिट। अब मेरा किसी को लेना देना है नहीं, तो अब मेरा ये फ़ायदे में चले गया, तो रिकंस्ट्रक्शन 240। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेडिटर का और डिबेंचर होल्डर का। ठीक है, अगर मैं क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर, पहले डिबेंचर होल्डर की बात कर लेते हैं, तो सर डिबेंचर होल्डर की क्या एंट्री करोगे, तो सबसे पहले हम उठाएंगे सरेंडर शेयर, है कि नहीं, सरेंडर शेयर। और सरेंडर शेयर किसको देना है हमें, डिबेंचर होल्डर को देना है। तो अब डिबेंचर होल्डर पूरी तरीके से मेरा ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो टू डिबेंचर होल्डर या फिर हम इसको ऐसे करते हैं, पहले डिबेंचर होल्डर को ख़त्म करते हैं। जैसे मान लेते हैं 10% डिबेंचर है, मैं पहले आगे पीछे कर रहा था, 10% डिबेंचर 1 लाख रुपए का ख़त्म, सारा फायदा रिकंस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत, क्योंकि डिबेंचर ख़त्म। अब क्या करेंगे, सरेंडर शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बढ़ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे घटाए थे इक्विटी शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे बढ़ गए इक्विटी शेयर कैपिटल, अब नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू हो चुका है। फर्क ये है कि इन तीनों को इशू नहीं हुआ, बदले में एक और व्यक्ति आ गया डिबेंचर होल्डर, समझे बात। तो दो एंट्री होगी, एक तो कैंसिल कर दिया डिबेंचर, दूसरा सरेंडर शेयर हमने इशू कर दिया। बीइंग में क्या लिखेंगे, सरेंडर शेयर लिखो या फिर शेयर इशू टू डिबेंचर होल्डर। पहले देखिए डिबेंचर वाली एंट्री में कोई डाउट, डिबेंचर वाली एंट्री में कोई डाउट, समझ में आया। अब क्रेडिटर वाला दिमाग लगा के आप बताओ, देखो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है ये तो लॉजिकली सोचो और क्रेडिटर वाला दिमाग लगा के बताओ। क्रेडिटर वाला सोचिए, तो क्रेडिटर वाले में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हम कैंसिल करते हैं क्रेडिटर, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्रेडिटर अकाउंट कितने से डेबिट, पूरे 240। आपने बताया था ना यहाँ सर फायदा कितने का है 240 का, तो रिकंस्ट्रक्शन में भेज रहो 240। इसके बाद हम क्या करें, सरेंडर शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, डन। तो मेरे हिसाब से सरेंडर का आपको समझ में आ रहा होगा, तो सबसे पहली एंट्री ये होनी चाहिए, दूसरी एंट्री ये होनी चाहिए, तीसरी एंट्री ये होना चाहिए, और सबसे लास्ट में ये होगा, समझे बात। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, हम बुक का क्वेश्चन कर लेंगे, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको ये समझ में आ गया, इसको नोटिंग की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पास वीडियोस होंगे, आप बाद में चाहें तो वैसे वैसे नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से नोट्स बनाने के लिए। बाकी मैं भी क्वेश्चन करूंगा तो उसमें तो सारा यूज़ हो ही जाना है। अगर हम 1 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 1 ही उठा लेते हैं, ठीक है ना, 1 कह रहा हूँ, सॉरी, क्वेश्चन 15 सरेंडर ऑफ शेयर टॉपिक ख़त्म होता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। और 15 का तो पता ही है, देखो इसमें बोला गया है आपको, आपको रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट भी बनाना है, तो सो दैट बैलेंस शीट वाला पोर्शन मैं पहले ही बोल चुका हूँ आप सभी को कि बैलेंस शीट वाला पोर्शन मैं छोड़ने वाला हूँ, है ना। और बैलेंस शीट वाले पोर्शन को छोड़ने के बाद क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि शाम वाले बैच में बैलेंस शीट एक बार हो जाए, 2 से 3 क्लासेस फाइनल अकाउंट की, फिर आपने जाके बैलेंस शीट करना है सभी का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा, चलिए क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 16 इलस्ट्रेशन है, हालांकि 15 है, ओके 15 मैंने गलत लिख दिया। चलिए
अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ एसेट्स लाइबिलिटी दे रखा है, तो जब कभी भी ऐसे उलट सुलट का मतलब समझ रहे हो, आगे पीछे एक तरीके से आपको बंच में दे दे एसेट्स और लाइबिलिटी, तो समझ जाना आपको एक पहले बैलेंस शीट बनाना होगा। यानी अभी क्वेश्चन करने से पहले हमें क्वेश्चन को थोड़ा सुधारना होगा। तो बैलेंस शीट कौन सा बनाना है? नॉर्मल आपने जो सीखा हुआ है अभी तक, जो आपने बैलेंस शीट सीखा हुआ है वही बनाना है नॉर्मल। अब बताओ बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर से कुछ निकलता है बैलेंसिंग फिगर, क्या निकलता है? कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। अब बैलेंसिंग फिगर, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर 99.99% बता दूं इधर निकलेगा, तो बताओ क्या होगा? भाई लाइव वाले बच्चे सो रहे हैं आज। सरप्लस, नेगेटिव सरप्लस, ठीक है। क्या होगा हमारा? नेगेटिव सरप्लस होगा। तो सर नेगेटिव सरप्लस होगा, पहले कैसे होगा लिख लेते हैं, रफली लिख लेते हैं इसको। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 5 लाख। डिबेंचर 10%, 18%। बताइए डिबेंचर कितने? 10 लाख। वो 50 लाख तो नहीं है? अरे नहीं नहीं मैं पहले वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा तभी तो। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने? 360। इसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर 5 लाख। इसके बाद तो ये तो एसेट्स में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख, प्लांट, प्लांट है 10,50,000, फर्नीचर, फर्नीचर 9,10,000, स्टॉक 8 लाख, डेटर 6 लाख, कैश एट बैंक 1.8 है ना, 1.8 लाख। आप एग्जाम में ऐसे एब्रिविएशन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, एल में या के में डिजिट प्रॉपर आपको जीरो में मेंशन करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस खत्म। अब टोटल करते हैं, जल्दी जल्दी टोटल करके देखते हैं कहाँ से क्या निकाल पा रहे हैं हम। तो आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बैलेंसिंग फिगर एसेट्स में निकलेगा। तो 50 लाख, 10 लाख, 3.6 और 5, तो ये आ गया 68,60,000। तो इधर भी आना चाहिए 68,60,000 माइनस 15, माइनस 10.5, माइनस 9.1, माइनस 8, माइनस 6, माइनस 1.8, तो जी 18,20,000। इतना लॉस, 18,20,000 लॉस, जिसे आप सरप्लस, और ये माइनस में है, एसेट साइड है तो अंडरस्टैंडेबल है, ये नेगेटिव में है। और अगर लाइबिलिटी साइड में सरप्लस होता है तो उसका मतलब वो पॉजिटिव होता है, समझ में आया? तो हमने क्वेश्चन को सुधार लिया, बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना है सर ये कौन सी बैलेंस शीट है, इसे बोलते हैं मेमोरेंडम, क्योंकि इस बैलेंस शीट में हमने अंदाजा लगाया है, जहां कहीं अंदाजा लगाए वहां बनता है अकाउंट्स में मेमोरेंडम। अब एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे, आप पूछेंगे कहते हैं करेंगे। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर एंड द कंपनी हैज द एग्रीड टू द ऑल इंटरेस्टेड पार्टी, भी एग्रीड है, करो भाई जल्दी जल्दी। द इक्विटी शेयर आर टू बी सब डिवाइडेड इंटू 5, बोला पहले इक्विटी शेयर को सब डिवाइडेड इंटू 5 करो, तो इसका मतलब हुआ 10 वाले इक्विटी को जो 100 वाला इक्विटी है उसको कितने में डिवाइड कर दो? 5 में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और होगा कितने? 50 लाख और 50 लाख। सर ये क्या हुआ? 50 लाख, 50 लाख, यहां पे तो सब डिवाइडेड बाय 5 है, अभी समझ में आएगा। मैं नीचे बींग लिखता हूं,
ओल्ड हमारे पास था 50,000 गुणा में 100, जबकि न्यू वाला जो है ना, न्यू लगा देते हैं, ठीक है, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हो जाएगा हमारा 50,00,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी 10,00,000 गुणा में 5, यानी सिर्फ इसने क्या करा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए। जो 100 वाला शेयर था ना, बोला भाई तेरे पास 100 वाले शेयर एक है, तेरे पास अब मान ले 20 शेयर हैं, लेकिन वो हो गए 5-5 वाले। तो इसमें शेयर होल्डर का कोई नुकसान फायदा नहीं है, तो इसको बोला जाता है सब डिवाइड करना। अगर बोलता ना कि रिड्यूस बाय, इंक्रीज बाय या रिड्यूस टू, तो होता है कम होना, यहाँ रिड्यूस की बात नहीं कहा, उसने कहा सब डिवाइड। आगे जो कह रहा है मैं पढ़ूंगा उसे, जहां तक मैंने पढ़ा है उसकी जानकारी, बताइए किसी को डाउट है इसमें तो, यानी ये बीइंग में है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस वाले बैलेंस शीट में कितने इक्विटी शेयर, तो जवाब 50,000। अब नए वाले बैलेंस शीट में कितने इक्विटी शेयर होने चाहिए अभी के हिसाब से, तो जवाब 10,00,000। यहां पे कितने रुपए, 50,00,000। नए वाले बैलेंस शीट में कितने रुपए, 50,00,000। सर वहां पे 5 से गुना करेंगे और यहां पे 100 से करेंगे, बताइए किसी को डाउट, यहां पे किसी को डाउट, भाई बताते जाए करो फटाफट, हाँ या ना, नहीं तो मैं चलता जाऊंगा, फिर आपको फिर बाद में फिर पूछोगे तो फिर बैक में फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नो अब आगे की लाइन पढ़ लेते हैं, कहता है 60% शेयर आर टू सरेंडर। ओके, सरेंडर हो रहा है, हम इसी का तो इंतजार कर रहे थे, तो अब फिर से करेंगे न्यू इक्विटी। अब पहले हमने कन्वर्ट किया न्यू इक्विटी शेयर टू, अगेन या तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो सरेंडर के लिए, न्यू इक्विटी टू सरेंडर, सरेंडर शेयर। तो सर कितने परसेंट बोला है इसने सरेंडर करने को, 50,00,000 का 60%, तो 50,00,000 का 60% कितना होता है, 20,00,000। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी बच्चे जवाब देना, मैं अभी के हिसाब से पूछना चाहता हूं, तब मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। आप मुझे बताइए नए वाले बैलेंस शीट में कितने रुपए के शेयर्स होंगे, नए वाले जवाब दीजिए कमेंट में, नए वाले बैलेंस शीट में कितने के शेयर होंगे अभी तक के हिसाब से। चलिए थोड़ा आगे चल के पूछते हैं, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन और क्लियरिटी होगा तो पूरे पे ही पूछूंगा, जब कैंसिल करूंगा तो पूछूंगा, ठीक है। तो कहता है टोटल क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर रिड्यूस बाय 860। ओके, कहता है जी डिबेंचर होल्डर का टोटल क्लेम, तो डिबेंचर होल्डर का टोटल क्लेम 10,00,000, 10,00,000, देखो 10,00,000 और 3,00,000, 13,00,000 डिबेंचर होल्डर का मतलब पूरा क्लेम। तो जी 13,60,000 था, क्या लिख दिया ये 13,60,000। क्वेश्चन क्या कहता है, रिड्यूस बाय 860, इसमें से 8,60,000 डिबेंचर होल्डर बोलते हैं कि मैं अपना क्लेम छोड़ रहा हूं, बैलेंस विल बी पे अलॉटमेंट 1,00,000 इक्विटी शेयर 5 रुपए एक, बाकी हमने 1,00,000 इक्विटी शेयर दिए और 5 रुपए के हिसाब से, तो बताइए बाकी बचा कितना था, 5,00,000। देखो 13,60,000 में से 8 माइनस करोगे तो बाकी बचा था कितना, 5, और 5 के मैंने इक्विटी शेयर दे दिए। सर कहां से दिए हैं इक्विटी शेयर, थोड़ा बताओगे, आउट ऑफ सरेंडर इशू, हमने सरेंडर इशू से दिए हैं, तो आप मुझे बताइए मेरा फायदा कितने का है। 13,60,000 में से 8,60,000 तो जो डिबेंचर होल्डर बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, कंपनी ने बोला ठीक है तुझे हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं, कितने दे दिए हमने, 1,00,000 शेयर 5,00,000 रुपए का, और वो भी शेयर पता है कहाँ से दिए कंपनी ने, अपने जेब से नहीं दिए, सरेंडर वाले में से दिए, तो मुझे बताइए कंपनी का फायदा कितने का है, सभी बच्चे बताएं कितने का फायदा है। तो जवाब आ गया सर 13,60,000, बिल्कुल सही। तो अब मैं जो एंट्री करूँगा,
एंट्री करूँगा कितने परसेंट जी, 18% डिबेंचर, 18% डिबेंचर अकाउंट, डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ये भी तो कैंसिल करना है, टू रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। सर रिकंस्ट्रक्शन कितने रुपया फायदा हुआ, यहाँ पे हुआ हमारा 13 लाख, अच्छा ये 10 का है, 10 लाख रुपए का फायदा, यहाँ पे 3,60,000 रुपये क्रेडिट किया मैंने और टोटल फायदा चले गया 13,60,000। एक और एंट्री करेंगे इसके साथ, कौन सी, सरेंडर शेयर, शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इसका बीइंग क्या होगा, बीइंग शेयर इशू टू डिबेंचर होल्डर, कितने लाख रुपए का, 5 लाख का। कोई डाउट तो बताएं, दो एडजस्टमेंट डन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पॉइंट पे चलते हैं। आगे पॉइंट पे क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस टू 50%, देयर वैल्यू स्टॉक रिड्यूस बाय 40%। कहता है लैंड बिल्डिंग तो नुकसान हो रहा है ना, हाँ इससे पहले क्रेडिटर भी है, देखा नहीं, द क्लेम ऑफ क्रेडिटर रिड्यूस बाय 250, 1/5 ऑफ द बैलेंस वॉज द सेटिस्फेक्शन बाय द इशू इक्विटी शेयर आउट ऑफ सरेंडर शेयर। तो पहले तो ढूंढो क्रेडिटर कितने का है, तो सर क्वेश्चन में क्रेडिटर है 5 लाख, और 5 लाख में से कहता है जी 250 तो हम छोड़ देंगे, ठीक है भाई 250 छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, यानी बाकी बच गए 250। अब बाकी के बारे में बोलता है कि 250, 1/5 ऑफ द बैलेंस टू बी सेटिस्फाइड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर आउट ऑफ सरेंडर, कहता है बाकी बोलते हैं कि 1/5 यानी 50,000 रुपए के, कहता है बैलेंस वॉज सेटिस्फाई बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो एंड 1/5 ऑफ बैलेंस, बैलेंस का 1/5 पार्ट, कहता है मैं तो भाई खुश हो जाऊंगा अगर मुझे शेयर मिल जाए 1/5। तो इसका मतलब सिंपल सीधी बात है, ये वाला तो पैसा कैंसिल, ठीक है, और ये 2.5 लाख रुपए था, 2.5 लाख में से हम इसको भी 2.5 लाख के दो टुकड़े करिए, एक तो 50,000 वाला जिसको इक्विटी शेयर देना है, बाकी 2 लाख के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो 2 लाख रुपए एज इट इज आ जाएगा कहां, बैलेंस शीट में। चेक करिए आपके पास बैलेंस शीट है क्या, 2 लाख क्रेडिटर दिख रहा है नई वाली बैलेंस शीट में, दिख रहा है, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कैसे आ रही है। तो भाई अब एक तरीके से देखा जाए तो 2.5 लाख तो मेरा फायदा है ये वाला जो कैंसिल हो गया, बाकी 50,000 के फ्री वाले शेयर दिए वो भी तो मेरा क्या है, फायदा। तो अगर मेरे से कोई पूछे क्रेडिटर में आपको कितने का फायदा हुआ, तो मेरा जवाब होगा सर मुझे क्रेडिटर में 3 लाख रुपए का फायदा हुआ, और इक्विटी शेयर कितने इशू किए, मात्र 50,000 रुपए के। तो सिंपल सी बात है, एंट्री क्रेडिटर, फायदे फायदे की एंट्री करेंगे, 3 लाख, टू रिकंस्ट्रक्शन 3 लाख, और सरेंडर शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का, 50,000, कितने का आ गया। कोई समस्या, किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट है कमेंट में बताइए, या फिर आपको पता है कि आप पूछ भी सकते हैं, पहले का भी आंसर सभी बच्चों ने दिया था लगभग, बाकी बच्चे इसका बताइए, इस किसी को डाउट है नो या यस, न्यू बैलेंस शीट का अमाउंट, भाई ये 2 लाख का तो पेमेंट नहीं हुआ ना, तो 2 लाख का पेमेंट तो बच ही गया, तो वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में ही जाएगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बस
कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सब खत्म, तो रिकंस्ट्रक्शन टू लैंड एंड बिल्डिंग, खत्म का मतलब कुछ कम, उसके बाद क्या है प्लांट फर्नीचर स्टॉक, अभी तक यही बात कह रहे हैं, और तो कोई इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, लगे हाथ सरप्लस भी निपटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है 50% तक हो गया है, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग 50 का मतलब 7.5 का नुकसान, या नुकसान लिख रहे हैं, ये भी 50 हो गया, तो 10 का मतलब कितने हो गए 5, 25 का नुकसान, फर्नीचर भी 50 हो गया, 9-10 का मतलब 4,60,000 का नुकसान। स्टॉक कहता है कितने से रिड्यूस हो रहा है 40% से, स्टॉक है कितना हमारा 8 लाख का 40% 320, सरप्लस पूरा चले गया 18,20, तो ये सारे नुकसान नुकसान वाले एंट्री हमने कर दिया है। और आगे कहता है द एक्सपेक्टेड टू रिलाइज 60% अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर, डेटर से भी हमें 60% ही मिलेगा, एंड फर्नीचर का 55 आएगा, ओके 4-55। इसके बाद आगे कहता है एक्सपेक्टेड टू रिलाइज 60% ऑफ द डेटर, डेटर हमें सिर्फ कितना मिलेगा 60%, डेटर भी 40 गए, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोज टू राइट ऑफ द बैलेंस अमाउंट, और बाकी अमाउंट क्या करो राइट ऑफ करो, इसका मतलब 60 मिलेगा तो 40 को जीरो करो, तो यहां पे डेटर भी डाल दें, टू डेटर कितने परसेंट 40%, 60 मिलेगा तो कितने 40% 240। आगे कहता है शेयर सरेंडर आर टू बी कैंसिल, नहीं बोलता तब भी हम कर देते, ठीक है ना, शेयर सरेंडर लास्ट में बोला ना जाए तो अब भी आपको कैंसिल करना है, बोल दे तो करना ही करना है। चलिए, यानी दो एंट्री को मर्ज करके करा है ये, 7.50, 5.25। आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा जो ये आपसे काम करवाता है वो लाइबिलिटी में करवाता है, एसेट्स के किसी आइटम में नहीं करवाता, उसको बोलता है घट गया भाई घटा दे और बढ़ गया भाई बढ़ा दे, बस मेजरली कहाँ काम करवाता है आपसे, 41,10,000। अब बोला सरेंडर शेयर को करो कैंसिल, तो ठीक है जी सरेंडर शेयर को कैंसिल करके दिखा देते हैं, सरेंडर शेयर को कैंसिल करके दिखाना है ना, तो चलिए मैं यहाँ सरेंडर शेयर को कैंसिल करता हूँ, तो आपको पता ही है कैसे करा जाएगा सरेंडर शेयर को कैंसिल, किधर करें किधर करें, यहाँ स्पेस है मेरे पास, यहाँ कर देते हैं सरेंडर, टू री कंस्ट्रक्शन, इसकी कैलकुलेशन हमारे पास था 30 लाख रुपए, 30 लाख में से हमने कुछ तो दिया 5 लाख गए, कुछ तो दिया मैंने 50,000, बचे हमारे पास 24 लाख, और इसी को कैंसिल कर देंगे, फायदा हो गया 24,50,000। कोई समस्या, इसका कैलकुलेशन ये दिखा दिया हमने। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नई वाली बैलेंस शीट में, देखना नहीं है कि नई वाली बैलेंस शीट में कितने रुपए का शेयर होगा, हाँ रुपए बोल रहा हूं, नंबर तो बाद में पूछ लेंगे, नए वाले बैलेंस शीट में कितने रुपए का शेयर होगा, 5,50,000। बताइए जल्दी जवाब, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए जवाब, 25,50,000। कुछ बच्चों का आ रहा है 25,50,000, कैलकुलेशन करिए, क्वेश्चन समझ में आया हर किसी को, पच्चीस पचास रानी प्रजापति का भी, बाकी सारे स्टूडेंट भी जवाब दें, आकाश किरण नई बैलेंस शीट में कितना आएगा,
निधि मिश्रा भी 2550। चलिए चेक करते हैं कि 2550 वाले बच्चे ठीक है गलत है। तो ध्यान दें सर, टोटल हमारे पास सरेंडर वरेंडर करके, क्योंकि हमारे पास थे 50 में से 30 सरेंडर करवा दिए थे, तो बचे थे हमारे पास 20 लाख ये वाले, और नए इशू 5 लाख रुपए और इक्विटी हो गए, तो 5 लाख ये वाले और 50,000 इधर भी सर आपने इशू किया। देखो इक्विटी जो जहाँ जहाँ हुआ मैं सर्कल लगा देता हूँ सो दैट आपको पता चले, 50,000 ये भी था, तो नए वाले बैलेंस शीट में आएगा 5 लाख, 25 लाख। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो आपको टोटल अमाउंट पता है, और एक शेयर कितने का चल रहा है अब, 5 का। पहले कितने का था, 100 का, अब कितने का चल रहा है, 5 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए अगर पूछूँ तो सिंपली कैसे निकाल सकते हो, 25 लाख 50,000 को डिवाइड कर दोगे किससे, 5 से। तो देखते हैं, 25 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 5,10,000 शेयर मेरे नई बैलेंस शीट में मिलेगा देखने को। आप देख सकते हैं, चेक करिए आप अपने नए वाले बैलेंस शीट में, इतना ही है। अब मुद्दे की बात, एक एंट्री तो भूल ही जाते हैं, कैपिटल रिजर्व वाले लास्ट, वो कब होगा, जब रिकंस्ट्रक्शन बनाओगे या फिर डेबिट क्रेडिट से, वो आपका काम है। तो यहां पर आपका काम क्या है, बैलेंस शीट और जनरल एंट्री तो नोट करोगे। अब बैलेंस शीट में मैंने देखो सबसे मुश्किल होता है इक्विटी वाला पार्ट, वो मैंने बता दिया। इसके बाद अब मैं एक एक करके पूछता हूँ, इक्विटी शेयर तो बता दिया, डिबेंचर क्या नई बैलेंस शीट में होगा, हाँ या ना, नहीं होगा, कैंसिल हो गया सारा। इंटरेस्ट होगा नई बैलेंस शीट में, सारा कैंसिल। क्रेडिटर होगा नई बैलेंस शीट में, 2 लाख का होगा, ये बचा था ना 2 लाख रुपए। इसके बाद इधर लाइबिलिटी खत्म ही हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 7.5, आधा कैंसिल हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख में से 10,50 में से कैंसिल हो गया, तो 5,25। फर्नीचर 4,55। स्टॉक 3,20 कैंसिल करके बाकी। डेटर जितने भी मैंने वहां लिखे हैं डेटर के आगे में 2,40 कैंसिल करके बाकी। कैश एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सरप्लस नहीं रहेगा, सरप्लस क्या हो गया, राइट ऑफ। बन गया जी नई बैलेंस शीट, बस धीरे धीरे बनाना है, एक दो क्लास शाम वाली के बाद तो आ ही जाएगा। तो फटाफट नोट करिए, जिसका जो डाउट है वो पूछते जाइए।